नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। सरगम सन 1979 में आई एक ऐसी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म जिसकी मर्मस्पर्शी कहानी, कर्णप्रिय गीत और कलाकारों का जीवंत अभिनय आज भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती है। आज के इस कमाल के वीडियो में हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। तुमको मैं झूठी मास्टर नहीं कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगता ना? बजाओ ना झूठी मास्टर जी, हम तुम्हारे लिए और नाचेंगे। बजाओ बजाओ। दफली वाले, दफली बजा। फिल्म सरगम के निर्माता थे NN सिप्पी तथा इसके निर्देशक व कहानी लेखक थे के विश्वनाथ। तेलुगु फिल्मों के विख्यात निर्देशक व लेखक के विश्वनाथ ने हिंदी में तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों का निर्देशन किया है। ये फिल्में हैं सन 1979 की सरगम, 1982 की कामचोर, 1985 की संजोग, 1989 की ईश्वर, 1992 की संगीत, 1993 की धनवान इत्यादि। बात करें फिल्म सरगम के संवाद लेखक की तो वो थे जैनेन्द्र जैन। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे KH कपाड़िया तथा इसे एडिट किया था वामन भोसले और गुरुदत्त सिराली ने। 2 घंटे 26 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 जनवरी 1979 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे ऋषि कपूर, जया पर्दा, धीरज कुमार, असरानी, शक्ति कपूर, शशिकला, अरुणा ईरानी, ओम शिवपुरी, लीला मिश्रा, केस्टो मुखर्जी, श्रीराम लागू, विजय अरोरा इत्यादि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मर्मस्पर्शी धुनों से सजे हुए कुल 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन 7 कर्णप्रिय गीतों में अपनी सुमधुर आवाज का जादू बिखेरा था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म के सारे ही गाने न केवल उन दिनों बल्कि आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं डफली वाले डफली बजा, हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, कहाँ तेरा इंसाफ है, कोयल बोली दुनिया डोली, मुझे मत रोको मुझे गाने दो, पर्वत के उस पार, राम जी की निकली सवारी इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 14 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म सरगम सन 1979 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे पायदान पर रही थी। इस फिल्म का कुल बजट था 1,17,00,000 रुपए और इसने भारत में कमाए थे 4 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो तकरीबन इसने 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म के बजट और कलेक्शन को देखते हुए उस वक्त इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल के 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म सुहाग, दूसरे स्थान पर थी फिल्म जानी दुश्मन और तीसरे स्थान पर थी फिल्म सरगम। इनमें से फिल्म जानी दुश्मन पर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 2, फिल्म सरगम सन 1976 में आई तेलुगु फिल्म श्री श्री मुवा की हिंदी रिमेक थी। फिल्म श्री श्री मुवा को भी के विश्वनाथ ने ही लिखा और निर्देशित किया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे तथा इसकी मुख्य अभिनेत्री जया पर्दा ही थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म सरगम जया पर्दा की पहली हिंदी फिल्म थी। उन दिनों इन्हें हिंदी ना के बराबर ही आती थी। फिल्म में इन्हें गूंगी रहने के कारण हिंदी न आने में भी कोई खास परेशानी नहीं हुई थी, पर बाद के अन्य फिल्मों में यह एक बड़ी परेशानी बनकर उभरी। फिल्म सरगम के अगले ही साल आई फिल्म टक्कर में इन्हें काफी सलीके से हिंदी बोलते हुए दिखाया गया था। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए इनके संवाद फरीदा जलाल ने डब किए थे। अपनी इस कमी को देखते हुए जया पर्दा ने कुछ समय तक हिंदी फिल्मों से दूरी बनाना ही उचित समझा तथा हिंदी सीखने के बाद सन 1982 की फिल्म कामचोर से वापसी की थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म सरगम की अपार सफलता के बाद उस साल ऋषि कपूर ने लगभग 13,00,000 रुपए का भारी भरकम आयकर चुकाया था। इसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है।
दरअसल सन 1978 में आयकर विभाग ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर कड़ी छापेमारी की थी, क्योंकि उन दिनों के फिल्म निर्माता अक्सर फिल्मों को कम बजट का दिखाकर आयकर की चोरी किया करते थे। यही हाल लगभग फिल्म कलाकारों का भी हुआ करता था। जब आयकर विभाग ने जांच पड़ताल की तो पाया कि उस समय बन रही लगभग आधा दर्जन फिल्मों का बजट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जिनमें राम बलराम, सरगम, कुर्बानी, नसीब, क्रांति और राजपूत जैसी कई फिल्में शामिल थी। इसी का परिणाम यह रहा कि आयकर विभाग की कड़ी नजर अब बॉलीवुड फिल्म के निर्माताओं और कलाकारों पर रहने लगी। परिणाम स्वरूप ऋषि कपूर समेत कई अन्य कलाकारों ने भी भारी भरकम आयकर चुकाया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म सरगम ऋषि कपूर की 12 गोल्डन जुबली हिट फिल्मों में से एक है। अगर बात करें इनकी उन 12 फिल्मों की तो वो फिल्में हैं सन 1973 की बॉबी, 1976 की कभी कभी और लैला मजनू, 1977 की अमर अकबर एंथोनी और हम किसी से कम नहीं, 1979 की सरगम, 1982 की प्रेम रोग, 1983 की कुली, 1986 की नागिन, 1989 की चांदनी, 1992 की दीवाना और बोल राधा बोल। यहां आपको यह भी बता दूं कि सर्वाधिक गोल्डन जुबली हिट फिल्में देने वाले अभिनेताओं की सूची में ऋषि कपूर दूसरे स्थान पर हैं, तथा इस सूची के पहले स्थान पर 20 गोल्डन जुबली हिट फिल्में देकर अमिताभ बच्चन कायम हैं। फैक्ट नंबर 6, सन 1979 में जया प्रदा के अलावा एक और बड़ी ही खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने मुख्य नायिका के तौर पर हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी हैं। इस साल आई फिल्म 16वां सावन में इन्हें बतौर मुख्य अभिनेत्री अमोल पालेकर के साथ लॉन्च किया गया था। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहाँ फिल्म सरगम उस साल की तीसरी सर्वाधिक कमाऊ फिल्म बनी, वही 16वां सावन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल रही थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म सरगम के निर्देशक के विश्वनाथ ने अपनी कई हिंदी फिल्मों में जया प्रदा को बतौर मुख्य अभिनेत्री लिया था, और यहाँ यह कहा जाए तो गलत ना होगा कि हिंदी फिल्मों में जया प्रदा को एक सफल और लोकप्रिय अभिनेत्री बनाने में के विश्वनाथ का ही सबसे बड़ा हाथ था। पर सन 1984 में आई के विश्वनाथ की फिल्म जाग उठा इंसान में जया प्रदा ने काम करने से मना कर दिया था। दरअसल इस फिल्म में जया प्रदा को मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट लिया जा रहा था, और उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती एक बी ग्रेड हीरो माने जाते थे। हालांकि बाद में जब मिथुन चक्रवर्ती के भी सितारे बुलंद हुए तो जया प्रदा सन 1986 में ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ 4 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी मुद्दत, प्यार के दो पल, स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहा। इनमें से फिल्म मुद्दत और प्यार के दो पल में वो इनकी नायिका भी बनी थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म सरगम में एक गूंगी लड़की की भूमिका निभाने से पहले जया प्रदा ने तेलुगु फिल्म श्री श्री मुवा के लिए हैदराबाद स्थित विभिन्न विकलांग संस्थानों में काफी दिनों तक ऐसे ही लोगों के साथ समय बिताकर साइन लैंग्वेज सीखी थी। फिल्म सरगम के रिलीज होने के बाद कई दिव्यांग लोग जया प्रदा से मिलने आते और उनको यह जानकर बड़ी ही हैरानी होती कि जया वास्तव में गूंगी नहीं है, फिर भी इन्हें इतनी अच्छी तरीके से साइन लैंग्वेज आती है। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के 7 गानों को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया था। इनमें से 4 गाने रफी साहब ने अकेले गाए थे तथा 3 गाने लता मंगेशकर के साथ डुएट थे। यूं तो फिल्म के सारे ही गाने एक से बढ़कर एक थे, पर डफली वाले डफली बजाने सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल की थी, तथा सन 1980 में बिना का गीतमाला के पहले पायदान पर अगले 25 हफ्तों तक कायम रही थी। हालांकि सन 1979 के बिना का गीतमाला में यह गीत 32वें पायदान पर रही थी, पर जैसे जैसे इसके गानों के एल्बम बिकते गए यह ऊपर चढ़ती चली गई। यहां आपको यह भी बता दूं कि फिल्म सरगम के गानों का एल्बम सन 1979 में सर्वाधिक बिकने वाली एल्बम्स के पहले स्थान पर रही थी, तथा 70 के दशक में 19वें स्थान पर रही थी। बाद में डफली वाले डफली बजा गीत की कुछ लाइनों को सन 2012 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी रखा गया, और यहाँ भी ऋषि कपूर को डफली बजाते हुए ही दर्शाया गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म सरगम के सारे ही गाने सुरीले होने के साथ साथ इन पर ऋषि कपूर और जया प्रदा ने कमाल का अभिनय किया था, पर यहाँ सोने पर सुहागा यह रहा कि इन गीतों को कमाल के लोकेशंस पर भी फिल्माया गया था।
जहां फिल्म के गाने कोयल बोली दुनिया डोली को आंध्र प्रदेश स्थित राजमुंद्री नामक शहर में गोदावरी नदी के किनारे फिल्माया गया था। वहीं पर्वत के उस पार को तमिलनाडु स्थित ऊटी तथा डफली वाले डफली बजा को कश्मीर में फिल्माया गया था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म के गाने राम जी की निकली सवारी का भी एक बड़ा ही निराला किस्सा है। इस गाने के अंतिम कुछ सेकंड्स में काफी हाई टेम्पो पर डफली की आवाज सुनाई देती है। दरअसल इसमें एक नहीं बल्कि कई डफलियों का प्रयोग किया गया था। इतने डफलियों को एक साथ एक ही सुर में रिकॉर्ड कर पाना बड़ा ही मुश्किल रहा था। इसके रिकॉर्डिंग के दिनों को याद करके प्यारे लाल जी कहते हैं कि रिकॉर्डिंग रूम के एयर कंडीशनड होने के कारण इन डफलियों में नमी आ जाया करती थी, जिसके चलते इनके सुर बदल जाया करते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्हें बार बार गर्म करते रहना पड़ता था। फैक्ट नंबर 12, फिल्म सरगम के रिलीज होने के बाद बम्बई के कई प्रसिद्ध जगहों पर इस फिल्म के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। उन दिनों को याद करते हुए जया प्रदा कहती हैं कि वो रात को अपने भाई के साथ चुपके से कार में जाकर इन होर्डिंग्स को घंटों देखा करती थी। हालांकि तब तक जया प्रदा दक्षिण भारतीय फिल्मों में स्टार बन चुकी थी, पर उन दिनों बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना हर कलाकार का सपना हुआ करता था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के पहले दिन की शूटिंग में जया प्रदा उत्साहित और नर्वस दोनों थीं। पहले दिन जब ये सेट पहुंची तो थोड़ी सहमी हुई थी और एक कोने पर खड़ी थी, तथा इनसे कुछ दूर पर ऋषि कपूर इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद ऋषि कपूर जया प्रदा के पास आए और माहौल को हल्का करने के लिए इन्हें अपना परिचय चिंटू कह के दिया। यह सुनकर जया प्रदा हंस पड़ी। बाद में इन दोनों कलाकारों की खूब अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिल्म के कुछ गानों में जया प्रदा को नंगे पांव ही नाचना पड़ता था, जिसके कारण कई बार इन्हें चोट भी लगती थी। ऐसे में ऋषि कपूर ही वो पहले शख्स होते जो दौड़कर इनके पास जाते और इनके पांवों को देखते थे। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि फिल्म सरगम की अपार सफलता के बाद भी ऋषि कपूर और जया प्रदा को अगले 8 सालों तक एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला। इन दोनों की अगली फिल्म सन 1987 में आई, जिसका नाम था सिंदूर। इसके अलावा इन दोनों ने सन 1988 की घर घर की कहानी, 1989 की पराया घर और 1989 की ही घराना जैसी अन्य कई कामयाब फिल्मों में भी काम किया था। फैक्ट नंबर 14, बात करें इस फिल्म को मिले अवार्ड्स की तो सन 1980 में आयोजित 27वें फिल्म फेयर अवार्ड में इसे कुल 6 श्रेणियों में नामित किया गया था, जिनमें से केवल एक श्रेणी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अवार्ड हासिल हुआ था, तथा बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट कॉमिक रोल और बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थी सन 1979 में आई सुपरहिट म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सरगम पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।